प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक पबजी के जिन की कहानी सुनाती हूँ। नेविन एक सुंदर, सुशील और बड़ा ही होनहार लड़का था। पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था, जिससे उसके दोस्तों में बड़ी धाक बनी रहती थी। मम्मी पापा का बड़ा लाडला था। एक दिन नेविन के पापा एक अच्छी कंपनी का मोबाइल फोन लेकर आए और नेविन को दे दिया। नेविन के पापा ने नेविन से कहा, बेटा, इस मोबाइल की मदद से तुम और भी अच्छी पढ़ाई करो और आगे चलकर पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना। फोन पाकर नेविन बहुत खुश होता है, अपने पापा को थैंक यू कहता है। तभी नेविन की मम्मी आती है और फोन देखकर बड़ी नाराज होती है और नेविन के पापा से कहती हैं, अजी क्या जरूरत थी इस फोन की? नेविन को इतना महंगा फोन दे दिया आपने, उसकी आदतें बिगाड़ दोगे आप। नेविन के पापा कहते हैं, मेरा बेटा बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि देखना, मेरा बेटा इसी मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नेविन की मम्मी कहती है, मेरी कभी मानी है जो आज मानोगे? नेविन के पापा हंसते हैं और नेविन भी हंसने लग जाता है। नेविन के पापा नेविन को समझाते हैं, बेटा फोन को उतना ही यूज करना जितनी जरूरत हो। एक दिन नेविन अपने एक दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा था। नेविन अपने दोस्त को अपना फोन दिखाते हुए कहता है, रोमी, कल मेरे पापा ने यह फोन मुझे गिफ्ट दिया है। रोमी नेविन को कहता है, अरे वाह, यह मोबाइल तो बड़ा ही अच्छा है, चल पार्क में बैठ के पबजी गेम खेलते हैं। नेविन रोमी से कहता है, यार ये पबजी क्या है? रोमी कहता है, यार तुझे नहीं पता, ये नया गेम आया है और बड़ा ही मस्त है। नेविन रोमी को कहता है कि भाई मुझे तो आता नहीं है। रोमी नेविन से फोन लेता है और पबजी गेम को डाउनलोड कर लेता है। दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। नेविन को बड़ा ही मजा आता है। नेविन रोमी को कहता है, अरे वाह रोमी, इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है, मैं रात को पबजी गेम को अपने कमरे में खेलूंगा। और फिर दोनों खेलने में लग जाते हैं। उसी रात नेविन अपने कमरे में पबजी गेम को खेल रहा था, तभी तेज हवा का झोंका आता है, खिड़कियां पर्दे हिलने लगते हैं। नेविन घबरा जाता है, हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है। तभी अचानक से कमरे के अंदर एक बड़ा जिन और उसका बेटा छोटा जिन प्रकट हो जाते हैं। दोनों को देखकर नेविन घबरा जाता है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, डर के मारे कांपने लगता है। जिन का बेटा कहता है, डैड डैड, यह लड़का पार्क में एक मोबाइल से कोई पबजी का गेम खेल रहा था, मुझे यह मोबाइल चाहिए। यह सुनकर उसके डैड नेविन को कहते हैं, यह मेरा छोटा बच्चा है हाका, इसका नाम हाका है, मैं इसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, इसका मन तुम्हारे मोबाइल पर आ गया है, हमें यह मोबाइल दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। जिनका बच्चा कहता है, डैड डैड, यह दोनों दोस्त ताली बजा बजा कर खेल रहे थे। नेविन अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, जिन अंकल जिन अंकल, अगर ये फोन मैं आपको दे दूंगा तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। जिन और जिन का बच्चा अपना सर खुजाने लगते हैं। जिन का बच्चा कहता है, डैड मुझे तो यही मोबाइल चाहिए। जिन नेविन को समझाता है कि मैं कोई भी मोबाइल ला सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे हाका को तेरा ही मोबाइल चाहिए, इसलिए तू मुझे यह मोबाइल दे दे। नेविन उसको डरते डरते मोबाइल दे देता है और जिन नेविन को कहता है, तू बड़ा ही समझदार है और होशियार लड़का है। जिन नेविन को खूब सारी धन और दौलत देता है। नेविन धन दौलत को देखकर खुशी में झूमने लगता है। अगले दिन सुबह नेविन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है और बहुत खुश होता है। नेविन के पापा नेविन की मम्मी को कहते हैं, देखा मेरा बेटा कितना समझदार है, रातों रात करोड़पति बन गया। कुछ दिनों बाद जब आपस में तीनों बात कर रहे थे, अचानक से जिन और जिन का बेटा प्रकट हो जाते हैं। सभी घबरा जाते हैं। जिन कहता है, ये लो तुम्हारा मोबाइल,
ये कैसा है कि इसने मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन ली। जब से ये मोबाइल मिला है तब से मेरा बेटा इसे दिन रात खेल रहा है। इसी मोबाइल की वजह से मेरे बच्चे की आंखें गई हैं। मैं तुम सबको अंधा कर दूंगा। सभी जिनके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं गिड़गिड़ाते हैं, जिनका गुस्सा शांत हो जाता है। जिन कहता है, यह मोबाइल बहुत ही घातक है बच्चों, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, जिन कैसे कह रहा था कि मेरे बेटे की आंखें इस मोबाइल की वजह से खराब हो गई हैं, वो एकदम ठीक कह रहा था। तो बच्चों, हमको भी मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, जितनी मोबाइल की जरूरत हो हमें उसका उतना ही यूज करना चाहिए।